हेलो, इस वीडियो में हम डिज़ाइन टैब के कस्टमाइज ग्रुप के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने वेरिएंट्स ग्रुप और थीम्स ग्रुप के बारे में जाना। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, थीम्स ग्रुप और वेरिएंट्स ग्रुप के बारे में, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कस्टमाइज ग्रुप को करेंगे। तो कस्टमाइज ग्रुप को करने से पहले हम यहाँ पे स्लाइडें लेंगे। जैसे यहाँ पे हम चार स्लाइडें लेंगे। जैसे नई स्लाइड लेने के लिए यहाँ पे कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। ये देखो, दूसरी स्लाइड, कंट्रोल एम, तीसरी, कंट्रोल एम, चौथी स्लाइड यहाँ पे बन के आ जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी थीम लेंगे। जैसे ये थीम दिए गए हैं, कोई भी थीम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक थीम यहाँ से लेते हैं। जैसे ये थीम यहाँ पे ले लिया। ये थीम लेने के बाद हम डिज़ाइन टैब पे जाएंगे। डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद कस्टमाइज ग्रुप पे जाएंगे और इसकी जो फर्स्ट कमांड है, स्लाइड साइज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है स्टैंडर्ड, ये है इसका साइज़ 43, और वाइड स्क्रीन इसका है 69। तो यहाँ पे हम इनको पहले करेंगे। तो इनको करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इंसर्ट करेंगे। सपोज़ करो, इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे। और टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, 11 लिखेंगे। यहाँ पे 11 लिखा। लिखने के बाद इसका यह साइज़ बढ़ाएंगे। ये देखो, यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाया, इसका साइज़ 24 रखा। रखने के बाद इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब पे जाएंगे। डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद तो स्लाइड साइज़ के मोर बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। एक है स्टैंडर्ड, एक है वाइड स्क्रीन। तो वाइड स्क्रीन जो होती है, ये डिफ़ॉल्ट होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को समझेंगे। तो स्टैंडर्ड को यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक है मैक्सिमाइज और दूसरा है इंश्योर फिट। तो इनका मतलब क्या होता है, जब हम फर्स्ट को यहाँ पे मैक्सिमाइज को सेलेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा साइड का होता है, जो भी हमने साइड में लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा कट हो जाता है। और जब हम ये दूसरे इंश्योर फिट इसको लेंगे, तो ये सारे जो भी है, ये सभी को बताएगा, जो साइड में लिखा हुआ है इसको भी। जैसे ये है, ये देखो, इसको अब यहाँ पे करते हैं हम। ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक किया, तो मैक्सिमाइज पे क्लिक करने के बाद ये जो है 11, ये स्लाइड से बाहर चला जाएगा। ये देखो, यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसको अंडू करते हैं। ये अंडू किया। अंडू करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन को लेंगे। ये देखो, स्टैंडर्ड पे जाके ये स्टैंडर्ड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इंश्योर फिट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो, ये इसी स्लाइड में रहेगा। ये देखो, ये कट नहीं होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ये अगला स्लाइड साइज़ का अगला ऑप्शन लेंगे, वाइड स्क्रीन। वाइड डिफ़ॉल्ट यही सेट होता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लेंगे, तो ये फुल स्क्रीन में यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगला है कस्टम स्लाइड साइज़। कस्टम स्लाइड साइज़ यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये स्लाइड साइज़ का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो ये डायलॉग बॉक्स में ये दिया हुआ है स्लाइड साइज्ड फॉर, ये यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे वाइड स्क्रीन है, तो वाइड स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से बहुत से ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओवरहेड का लेना है या बैनर का लेना है। जैसे ये देखो, यहाँ पे हमने स्लाइड साइज़ ये बैनर का लिया, तो ये इसके बाद ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे भी दो ऑप्शन आ जाएंगे। इंश्योर फिट यहाँ पे क्लिक किया, तो
तो ये देखो बैनर का साइज़ यहाँ पे आ जाएगा। ये जो हमने सेलेक्ट किया था वो बैनर का यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फिर ये हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम स्लाइड साइज़ यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्लाइड साइज्ड फॉर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे अब वाइड स्क्रीन करेंगे तो ये फिर वाइड स्क्रीन जैसे थी बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही आ जाएगी। ये देखो ये कि इसके बाद ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर दो ऑप्शन आ जाएंगे। इंश्योर टू फिट यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो वैसे ही ये बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे स्लाइड साइज़ पे ये कस्टम स्लाइड साइज़ यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन हम यहाँ पे लेंगे वो ऑप्शन हमारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद वाइड स्क्रीन रखने के बाद यहाँ पे अगर इसकी विड्थ को हमने बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, विड्थ बढ़ जाएगी। कम करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कम हो जाएगी। तो इसके बाद क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये वाइड स्क्रीन ये स्लाइड यहाँ पे आ जाएगा साइज़। इसके बाद यहाँ पे स्लाइड के लिए नंबरिंग दी गई है, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 1 की जगह 5 आए, उसके बाद ये 6 आए, उसके बाद 7 आए, उसके बाद 8 आए, तो ये नंबरिंग सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड साइज़ पे जाएंगे। इसके बाद कस्टम स्लाइड साइज़ यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे दिया गया है नंबर स्लाइड फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या करना है, किस नंबर से स्टार्ट करना है, यहाँ पे हमने 5 नंबर से स्टार्ट करना है। ये देखो यहाँ पे 5 भरा। ये भरने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये स्लाइड का नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 5 6 7 8। तो इस प्रकार हम ये स्लाइड का नंबर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे स्लाइड साइज़ पे जाएंगे और कस्टम स्लाइड साइज़ पे जाएंगे। अब कस्टम स्लाइड साइज़ पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे स्लाइड के ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पे नोट्स, हैंडआउट्स और आउटलाइन के हैं। जैसे इसको जैसे स्लाइड को है पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है, तो ये जो है लैंडस्केप में है, ये जो स्टाइल है लैंडस्केप में है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये पोर्ट्रेट में रखना है, ये जो स्लाइड है ये पोर्ट्रेट में रखनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे पोर्ट्रेट पे और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इसको इंश्योर टू फिट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं। ये देखो जितनी भी स्लाइड हैं ये पोर्ट्रेट मोड में आ जाएंगी। अगर हम इसको लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे स्लाइड साइज़ यहाँ पे जाएंगे, कस्टम स्लाइड साइज़ यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फिर लैंडस्केप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, इंश्योर टू फिट, ये देखो ये लैंडस्केप मोड में आ जाएगी। इसके बाद अगली कमांड है फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड की पैन आ जाएगी। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो लिखने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद ये यहाँ पे शेप लेंगे, जैसे कोई भी शेप हमने यहाँ पे ली, ये शेप ये हमने यहाँ पे ली, ये शेप यहाँ पे आ गई। आने के बाद यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने बायस ज्ञान टेक, ये लिखा। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ यहाँ से बढ़ाएंगे, ये साइज़ इसका 36 रखा। 36 रखने के बाद इसको बोल्ड करने के बाद इसको कलर में कर देंगे तो ये कलर यहाँ पे आ जाएगा। ये आने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड है इसको फॉर्मेट करना है। तो इसके लिए जैसे ये हमारे पास है सबसे पहला सॉलिड फिल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ये कलर आ जाएगा, ये कलर आ जाएगा। तो
तो इसको हमने चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है अलग अलग कलर दिया गया है, जैसे ये कोई भी चाहिए, जैसे ग्रीन चाहिए तो ये देखो ग्रीन में आ जाएगा ये। इसके बाद और कलर चाहिए तो हम ये और कलर ले सकते हैं, जैसे ये कलर चाहिए तो देखो इस कलर में आ जाएगा। तो इस प्रकार सॉलिड फिल में ये हम यहाँ पे सॉलिड कलर यहाँ पे लगा सकते हैं ये। इसके बाद यहाँ पे दूसरे पे क्लिक किया ग्रेडियंट फिल, तो ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ जाएंगे। इसमें प्रीसेट ग्रेडियंट यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से हम कोई भी सेट कर सकते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पे सेट करना है, जैसे सपोज करो हमें ये चाहिए तो ये देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, या और चेंज करना है तो और भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे ये चाहिए तो इसमें आ जाएगा। ये आने के बाद टाइप यहाँ पे रेडिकल या और भी यहाँ पे चेंज करना है, टाइप लीनियर में करना है, ये देखो इसमें आ जाएगा। तो और टाइप चाहिए तो और भी ये चेंज होता जाएगा, ये देखो जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ये चेंज होता जाएगा, तो इसमें चाहिए तो इसमें आ जाएगा ये। तो ये आने के बाद हम क्या करेंगे, ये इसकी ग्रेडियंट स्टॉप, तो इसमें क्या है अगर हमने इसको बढ़ाना है, ये देखो यहाँ पे बढ़ रहा है ये देखो कितना रखना है, यहाँ से रखना है इतना रखना है या यहाँ से इसको ले जाना है ये देखो, तो यहाँ से हम ग्रेडियंट स्टॉप्स यहाँ पे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद कलर, यहाँ से कलर है ये भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कोई भी कलर चाहिए, जैसे इसमें चाहिए ये देखो इसमें आ जाएगा। तो आने के बाद इसकी पोजीशन है, जैसे 64 है इसको और बढ़ाना है तो ये देखो और बढ़ रही है यहाँ से। ट्रांसपेरेंसी, अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, या यहाँ से लिखा हुआ है 0%, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको खींचेंगे आगे, ये देखो बढ़ रही है ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, कम करनी है तो यहाँ पे पीछे ले आएंगे, ये कम हो रही है। अगला है ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, या यहाँ से ये 0 लिखा हुआ है यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 1 ये यहाँ से बढ़ा सकते हैं 7 किया, या यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं इसको पीछे किया, ये ब्राइटनेस कम हो रही है, ज़्यादा करनी है यहाँ से इसको ज़्यादा कर देना है। तो इस प्रकार ये सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ये जो सेटिंग की है ये सेटिंग हमारी सभी स्लाइडों में अप्लाई हो जाए, ये देखो एक ही स्लाइड में अप्लाई है, सभी स्लाइडों में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई टू आल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये सेटिंग ये सभी स्लाइडों में अप्लाई हो जाएगी। ये अगला है पिक्चर और टेक्सचर फिल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास, इसके बाद पिक्चर सोर्स पे जाएंगे, पिक्चर सोर्स में यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे कंप्यूटर में पिक्चर है वो पिक्चर हम इस बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वर्क ऑफलाइन यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सपोज़ करो हमें ये पिक्चर यहाँ पे लगानी है तो इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये देखो ये पिक्चर यहाँ पे लग जाएगी। इस बैकग्राउंड में अपने कंप्यूटर की कोई भी पिक्चर यहाँ पे अप्लाई लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम इस शेप में कोई कलर सेट करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉलिड फिल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कलर पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमें ये कलर चाहिए तो इस कलर में ये आ जाएगी। अगला है पैटर्न फिल, पैटर्न फिल कमांड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत से पैटर्न आ जाएंगे, तो जो भी पैटर्न हमें यहाँ से चाहिए वो पैटर्न हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये पैटर्न चाहिए तो इस पैटर्न में आ जाएगा, या और कोई पैटर्न में चाहिए जैसे ये पैटर्न तो इसमें आ जाएगा, या जो भी यहाँ से हमें पैटर्न अच्छा लगता है उस पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे ये पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसका फोरग्राउंड
कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फोरग्राउंड पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे दिया गया है, तो जो भी कलर चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे सपोज करो हम यहाँ पे इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके पैटर्न यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये देखो जो भी पैटर्न चाहिए, जैसे सपोज करो हमें ये चाहिए तो इसमें ये आ जाएगा। ये देखो अगर बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड का ये देखो ये कलर, जैसे हमें बैकग्राउंड का यहाँ से कौन सा कलर चाहिए, जैसे सपोज करो हम ये कलर रखते हैं तो ये कलर रखने के बाद आप कौन सा पैटर्न चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज करो ये पैटर्न चाहिए तो इस पैटर्न में ये आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इन स्लाइडों में भी ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल ये क्लिक किया तो ये देखो ये पैटर्न यहाँ भी आ जाएगा। इसके बाद है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ये जो ग्राफिक्स है इसको अगर हाइड करना है, ये जो है इसको हाइड करना है तो हम यहाँ पे हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये जो है यहाँ से हाइड हो जाएगा, ये जितना था ग्राफिक्स यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर इन सभी स्लाइडों से ये ग्राफिक्स हाइड करना है तो हम क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ से भी ये ग्राफिक्स हट जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।